जनपद संभल के चंदौसी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद संभल द्वारा सेवा एवं समर्पण अभियान के अंतर्गत एक रक्तदान शिविर का आयोजन आशीष गार्डन चंदौसी में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्म दिवस पर रक्तदान किया गया। युवा मोर्चा जनपद संभल के जिला अध्यक्ष शिखर गोयल ने इस अवसर पर युवा साथियों को संबोधित करते हुए इस पूरे सप्ताह सेवा कार्य व समर्पण कार्य को पूरे जोश में करने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष राखी सिरोही ने कहा कि मोदी जी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान महादान के भाव के साथ युवा मोर्चा में अपना योगदान दिया है। रक्तदान देकर विशाल चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है और मोदी जी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और हमारे देश के ही नहीं पूरे देश में सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व है। उन्होंने अपनी जीवन शैली, त्याग और समर्पण का जो संदेश दिया है, वे संदेश को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानकर सभी युवा मोर्चा पूरे देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरे सप्ताह को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो इसी क्रम में आज रक्तदान शिविर है और कल से एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा, जिस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंधित उनका पूरा जीवन चरित्र है उसके संबंध में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहाँ बहुत सारी जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनको भी किया जाएगा। देश के लिए, समाज के लिए वे हमारे लिए महान हैं, हमें उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रक्तदान शिविर का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय गुलाबो देवी जी द्वारा किया गया। आज मोदी जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपने रक्तदान शिविर लगाया है, क्या कहेंगे? मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वां जन्मदिन है, जिसको हमने इस पूरे सप्ताह को सेवा समर्पण भाव के रूप में मनाना तय किया है और हमारे युवा मोर्चा का आज जो है इसी क्रम में रक्तदान शिविर है और 71 लोगों के वक्त का दान किया जाएगा। इसके पश्चात लगातार हमने पूरे सप्ताह जो कार्यक्रम रखा है, इसके आगे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मोदी जी के जीवन चरित्र, त्याग और तपस्या जो भी रहा है उस पर पूरा प्रकाश डाला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है, इसको प्लस में आके यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, इसमें आपने भी रक्त दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सभी जानते हैं कि मोदी जी का 71वां जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज युवा मोर्चा द्वारा जो है रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर जो है, रक्तदान मैं जहाँ तक समझती हूँ एक महान दान के रूप में देखा गया है। उसी के भाव के साथ मैंने आज युवा मोर्चा में अपना योगदान दिया है रक्तदान के। इसके साथ ही क्षेत्र में काम हो रहा है, यहाँ पर 20 तारीख को संभल में कोरोना योद्धा महिलाओं का भी सम्मानित कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी वर्ग की महिलाओं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है, मोदी जी के साथ मिलके जो काम किया है, उन सभी महिलाओं का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। और ये जो सेवा सप्ताह है, ये मोदी जी के ही की प्रेरणा के ही उसमें ये सेवा सप्ताह चल रहा है। जो उनके भाव है, जो उनके काम करने की प्रेरणा है, लोगों के लिए प्यार, विश्वास और जो जितना वो हमारे महिलाओं के लिए सोचते हैं, तो हमारी बहनों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके सभी प्रयासों को लोगों तक पहुँचाएँ, काम करें और उनके हर कदम में साथ के साथ मिला के चलें। धन्यवाद। आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, आप लोग आए हैं तो क्या कहेंगे? जी, आज मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है और हमारे मोदी जी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं और हमारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं। उन्होंने अपनी जीवन शैली से त्याग और समर्पण का जो संदेश दिया है, वो संदेश को हम अपना प्रेरणा स्रोत मानकर सभी युवा मोर्चा पूरे देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहा है। साथ ही साथ इस पूरे सप्ताह को सेवा और समर्पण सप्ताह के रूप में मनाने का हम सब लोगों ने निर्णय लिया है, तो इसी क्रम में आज रक्तदान शिविर है और कल से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिस प्रदर्शनी में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंधित उनके जो पूरा जीवन चरित्र है उसके संबंध में प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहाँ बहुत सारे जो अन्य गतिविधियाँ हैं उनको भी किया जाएगा। अंततोगत्वा संदेश यही है कि जो लोग जीवन में त्याग और समर्पण करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो हमारे लिए महान होते हैं, हमें उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।